नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं पांच की आंच। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना टारगेट लॉक कर दिया है। 2018 में कांग्रेस ने 90 सीटों में से 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2023 में कांग्रेस का टारगेट 75 है। कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है और अपना लक्ष्य तय कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है? क्या कांग्रेस पिछली जीत से भी बड़ी जीत हासिल कर सकती है? क्योंकि बीजेपी खामोश तो बैठी नहीं है। सिर्फ सूबे का नेतृत्व ही नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व भी पूरा जोर लगाने वाला है, और ऐसे में जीत हार किसकी होगी ये तो चुनावी नतीजे बताने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि मुकाबला जोरदार होने वाला है। छत्तीसगढ़ में सियासी जंग का प्रचंड आरंभ हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। एक तरफ बीजेपी है जो 2018 में सिर्फ राज्य की 90 सीटों में से 15 सीटों पर सिमट गई थी। दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने 90 में से 68 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था, लेकिन वो करीब 5 साल पुरानी बात है। क्या ये मुमकिन है कि इतिहास खुद को फिर से दोहराए? कम से कम बीजेपी ऐसा हरगिज नहीं चाहेगी। यही वजह है कि बीजेपी सिर्फ सूबे के नेतृत्व के भरोसे नहीं बैठी, केंद्रीय नेतृत्व ने कमान खुद संभाल रखी है। बस्तर की 12 सीटों के लिए बीजेपी जोरदार कैंपेन कर रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को बस्तर में उतारा जा रहा है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ में जल्द हुंकार भरते नजर आएंगे। माननीय गिरिराज जी का कार्यक्रम लगभग 3 दिनों का कार्यक्रम तय हुआ है। 3 दिनों के भीतर में बस्तर के हमारे कंकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा यहाँ पर प्रवास में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें हमारी सभा होगी, हमारे लाभार्थियों का सम्मेलन होगा, प्रबुद्धजनों के साथ उनके साथ बैठकें होंगी, अधिवक्ताओं के साथ में उनकी मुलाकात होगी। इस तरीके कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है और जो हमारे अधिकारियों की भी यहाँ पर उनके साथ में बैठकें होंगी। लेकिन क्या कांग्रेस खामोशी से बीजेपी के चुनावी अभियान को ताकती रहेगी? जाहिर है ऐसा नहीं होने जा रहा। कांग्रेस ने तो 23 का टारगेट भी फिक्स कर दिया है, पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत का टारगेट, 75 सीटों पर विजय पताका फहराने का महासंकल्प। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? 75 सीटों पर जीत के इस बड़े लक्ष्य के पीछे कांग्रेस को बीजेपी की कमजोरी पर भरोसा है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में 4 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, पार्टी में लोग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, स्थिति विस्फोटक है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है बीच में ही नेता प्रतिपक्ष बदल दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के में दिखता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष मेरे ख्याल से 3 प्रदेश अध्यक्ष इन 4.5 सालों में बदले। भारतीय जनता पार्टी में निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई नेता बड़ा बनने का प्रयास करता है, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निराशा हताशा के दौर से गुजर रही है। हम सत्ता और संगठन तालमेल के साथ जा रहे हैं और हमें उम्मीद है 2023 में हम लोग एकजुटता के साथ जाएंगे और जनता का जनादेश हमको फिर से मिलेगा। कांग्रेस लगातार हर संभाग में बैठक और सम्मेलन कर रही है। बिलासपुर में बड़े सम्मेलन के जरिए कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाहती है। कांग्रेस के पास चेहरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिस पर पार्टी का पूरा भरोसा है, लेकिन खेल और सियासत के मैदान में हवा का रुख कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। अभी भी चुनाव में कई महीनों का वक्त है और दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दोनों ही दलों की तैयारी तो अपनी अपनी तरीके से जारी है, लेकिन टारगेट कांग्रेस का बहुत भारी है। क्या वाकई में कांग्रेस इस टारगेट को अचीव कर पाएगी? मणि वैष्णव कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मणि जी, आपका स्वागत है। और निश्चय वाजपेयी बीजेपी नेता है, उनका भी बहुत स्वागत है। निश्चय जी, सबसे पहले निश्चय जी मैं आप ही के पास आता हूं, और पिछली बार 2018 की अगर बात की जाए तो बीजेपी का नारा था 65 पार, इस बार 75 पार कांग्रेस नारा दे रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस का जो नारा है 75 पार का, भैया ये दरअसल जो यहां पे ढेवर का क्रिमिनल सिंडिकेट चल रहा है ना,
जिसमें हजारों करोड़ लूट करके अवैध उगाही करके अपने राजनीतिक आकर को दिया जा रहा है, उसमें कुछ 30-40 लोग अभी तक जेल जा चुके हैं, वो 75 पार जल्दी होने वाला है, उसका आंकड़ा वो लोग बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना गहरा असंतोष है कि लगभग 75% कार्यकर्ता जो है वो घर बैठ चुके हैं और वो 75 पार होने वाला है। कुछ लोगों के हाथ में सत्ता खेल रही है कांग्रेस में, ये सच्चाई है। और इस तरीके के जो 75 पार के ये हास्यास्पद बातें जो कर रहे हैं, इनकी सच्चाई ये है कि आज के तारीख में 15 लाख गरीबों के मकान जो कच्चे मकान में रहते हैं, उनके स्वीकृत मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत थे उनको वापस करने वाली ये सरकार गांव में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जो जिस पिछले 5 वर्षों में सड़कों की जो बदहाल हालत है, पूरी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, कोई काम विकास का कार्य नहीं हुआ केवल भ्रष्टाचार को छोड़ करके। जिस तरीके से क्राइम यहाँ पे बढ़ा है और जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव को यहाँ बिगाड़ने का काम हुआ है, जिस तरीके से धर्मांतरण का काम हुआ है और जिस तरीके से हिंदुओं पर, जो कि कभी हुआ नहीं इसके पहले इतिहास में कि ग्रामीण क्षेत्र में हिंदुओं के ऊपर प्राण घातक हमले हों जो लगातार हो रहे हैं, इस तरीके की भी घटनाएं यहाँ पे हुई, तो यहाँ की जनता तो पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी के काल में देखा था उस काल को वापस लौटा के लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सुनिश्चित है। इनको ये बात का, इस बात का आभास भी हो चुका है, इनकी LIB रिपोर्ट से लेकर सारा कुछ आ चुका है। तो अब ये एक कहना चाहिए हवाबाजी करने का काम कर रहे हैं, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। आपने कहा 75% कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के वो घर बैठ चुके हैं और कुछ ही लोगों के हाथ में सत्ता खेल रही है, कार्यकर्ता खुश नहीं है। ये 2018 की स्थिति बीजेपी की भी कमोबेश यही थी और ये कहा गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की वजह से हार गई। आपका कार्यकर्ता साथ में आ गया, शायद आपको इस बात का विश्वास है। वैष्णव साहब, मैं आपके पास आता हूं, कई सारे आरोप लग रहे हैं और आप हंसते थे 65 पार, अब की बार 65 पार, इस नारे पर आप लोग हंसते थे 2018 में और आपने इससे बड़ा टारगेट रख लिया। ऐसा क्या कर दिया या ऐसा क्या है जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप 75 का टारगेट लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमारे कॉन्फिडेंस का कारण हमारी मेहनत है और हमारे काम है। छत्तीसगढ़ में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए काम नहीं किया गया हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई भी वर्ग छूटा नहीं रहा है। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा परेशान है कि बार बार नए नए प्रयोग कर रही है। ये 4 साल में 3-3, 4-4 प्रदेश अध्यक्ष बदल देते हैं, 3-3, 4-4 प्रभारी बदल देते हैं। इनके प्रभारी आकर कहते हैं कि हंटर मार के ठीक कर दूंगी, थूक दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। और जितने इनके प्रभारी हैं यहाँ के नेताओं से, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, पूर्व में मंत्री रहे, उन पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री से जो है दूरी बना के रखते हैं यहाँ के प्रभारी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका चेहरा अगर जनता के सामने हम लेकर जाएंगे तो हमें नुकसान होगा। तो इस प्रकार के जो पिछले इन्होंने कर्मकांड किए हैं अपने 15 साल के शासनकाल में, इसके कारण भयभीत हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके जो नेता हैं पुराने, उनके चेहरे को अगर सामने ले जाया जाएगा तो हमें भारी हानि हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि यहाँ काम बहुत हुए हैं, इस कारण यहाँ पे कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है। इनके पास ले दे के 2-3 मुद्दे हैं। एक इनका पुश्तैनी मुद्दा है सांप्रदायिकता का, ध्रुवीकरण का, और एक है इनका मुद्दा जो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दबाव बनवाकर जो झूठे आरोप ये लोग लगा रहे हैं, जो सतही आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं, कोई तथ्य नहीं है। ये जो 2-3 चीजें हैं इस आधार पे ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वैष्णव साहब, सड़कों की स्थिति बदहाल है, मुख्यमंत्री ने भी माना है, फिर बाद में आप ये दलील दें कि भाई 5 साल और फिर किसके शासनकाल में बनी और तमाम तरीके की, सड़कों की स्थिति बदहाल है, क्राइम रेट हम देख रहे हैं कि कैसे सरेआम अगवा कर लिया जा रहा है, कैसे हत्याएं हो रही हैं ये भी हम देख रहे हैं। आप इसको अगर मुद्दा नहीं मानते, लोगों को मकान नहीं मिल रहे हैं आप इसको मुद्दा नहीं मानते, शराबबंदी की बात आपने वायदा किया था अब आप कहते हैं कि हम कमेटी बना रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते, जागरूकता तमाम चीज़ें, ये सारी बातें, ये क्या मुद्दे नहीं हैं? बीजेपी अगर इन बातों को उठाती, आप कहते हैं मुद्दा विहीन है भाई बीजेपी। देखिए, जहाँ तक शराबबंदी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी विरोध कर ले, भारतीय जनता पार्टी के बातों को जनता सुनने वाली नहीं है। इसलिए सुनने वाली नहीं है क्योंकि 300 करोड़ के राजस्व के उन्होंने 5000 करोड़ तक पहुँचाया,
हाँ हमने वादा किया, शराबबंदी का वादा किया, हम में दम था इसलिए हमने वादा किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो वादा किया था, उसके बाद इसके बारे में सोचा भी नहीं कभी। हमने तो प्रयास किया उसके लिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि जो है यहाँ सांप्रदायिक माहौल हो रहा है, यहाँ जो है हत्याएं हो रही है धर्म विशेष के लोगों की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और इनके जितने भी आरोप हैं आप देखेंगे वो लगभग झूठे आरोप हैं, और उसका कोई फर्क जनता पर नहीं पड़ने वाला है। नहीं, आपने और चीजों के बारे में तो बताया ही नहीं, बेशक आपने नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास की बात आपने नहीं की। देखिए प्रधानमंत्री आवास पर सड़कों की स्थिति की बात आपने नहीं की। प्रधानमंत्री आवास, एक मिनट, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर तो खुद इनके नेता कंफ्यूज हैं। कोई कहता है कि 15 लाख आवास नहीं मिले, कोई कहता है 8 लाख आवास नहीं मिले। आप ही बता दीजिए, जनता पार्टी पहले तय कर ले कि कितने आवास नहीं मिले, कितने नहीं मिले। और मैं आपको बता दूं कि 2020-21 में तो इन्होंने एक भी प्रधानमंत्री आवास जो है यहाँ सेंक्शन नहीं किया है। उस पर जवाब देंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? और जहां तक सड़क की बात करते हैं, सड़क की बातें करते हैं, तो हमारे विकास का पैमाना अलग है। हमारे विकास का पैमाना यह है कि जो आम जनता है, जो आदिवासी है, जो किसान है, उसके जेब में 4 पैसे ज्यादा कैसे जाएं, ये हमारे विकास का पैमाना है। भारतीय जनता पार्टी का विकास का पैमाना ये था किस प्रकार से बंदरबांट हो रही है, बार बार बनाया जाए, डीएमएफ फंड की बंदरबांट हो रही है, उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये भी आरोप। ये सब झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का तो विकास पैमाना यह था कि बार बार एक ही सड़क को कैसे बार बार बनाया जाए और कमीशनखोरी की जाए। इनके तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार के पितामह हैं। इस विश्व के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने खुलेआम स्वीकार किया था कि एक साल तक कमीशनखोरी था। सियासी दल जो है वो अपने अपने तरीके से व्याख्या करते रहते हैं, अपनी अपनी व्याख्या करते हैं, लेकिन आपने कहा कि हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो विकास की सरकार थी उसको वापस लाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि 2018 में मुंह की इतनी बुरी तरीके से मुंह की क्यों खानी पड़ी थी? क्या इसके पीछे वजह थी, कमजोरियां क्या थी, उसकी बात कीजिएगा कम से कम। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अलग अलग समय की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में शासन किया है, इसकी लोगों को कल्पना भी नहीं थी। तो अभी की परिस्थितियां अलग हैं। मैं आपसे जो मैं मणि जी का जवाब देना चाहता हूं कि 10 लाख है, 8 लाख है, 15 लाख है, क्या है, दरअसल आंकड़ा एकदम स्पष्ट है, इनको पता भी है। 16 लाख जो है वो पात्र हितग्राही थे प्रधानमंत्री आवास के, जो 2011 की सूची में थे। उसमें से 8 लाख मकान तो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे शुरू हुआ 2015 में योजना, तो उन्होंने 3 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिया, बचे 8 लाख, तो वो 8 लाख हुए। इस बीच में 2011 और 2016 के बीच में जो नए पात्र बने व्यक्ति थे उनकी भी सूची बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनकी संख्या लगभग 8 लाख थी। उसमें से ये जो पिछले बचे 8 लाख और ये बचे 8 लाख, ऐसे 16 लाख पात्र लोग बनते थे, जिसमें से लगभग 15 लाख मकानों की स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी, उसकी सूचना दी और बार बार पैसे मांगे। लेकिन भूपेश बघेल जी ने इसको कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पे बनने वाले गरीबों के मकान को हम क्यों बनाएंगे, गरीब की छत बन रही है और प्रधानमंत्री की योजना हम क्यों बनाएंगे, हम क्यों बनने देंगे, हम तो इसमें नहीं बनने देंगे, ये इस तरीके की बातें आई। और सुनिए मणि भाई, आपको मणि भाई अभी तो आपको बोलना कह रहे हो, बयान दिखा दीजिए कब कह दिया प्रधानमंत्री ने ऐसा। सच्चाई तो ये है कि आपने एक भी प्रधानमंत्री शहरी आवास जो सेंक्शन नहीं किया है और आप तो बजट वापस ले लेते हैं जनता जानना चाहती है बीजेपी का टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि ये जो 16 लाख हमारे कच्चे मकान में रहने वाले गरीब भाई हैं, इनका मकान भारतीय जनता पार्टी आएगी, सरकार बनाएगी और इनके सीटों के साथ बनाएगी। कितनी सीटों के साथ? भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीत के आएगी, मैं इतना ही कहूंगा। दूसरी बात, मैं आपको जो एक और बात कहना चाहता था, ये बोल रहे थे कि ईडी और सीबीआई झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं। ईडी वाले यहां जांच करते हैं, इनकम टैक्स वाले यहां जांच करते हैं और उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद जो तो एक बार जेल गया, तो सिर्फ कांग्रेस नेताओं के यहाँ, सरकार के लोगों के यहाँ क्यों छापा पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या दूध के धुले हैं? 15 साल से दलाल जो भी गुंडा, ये थोड़ा मुझे समझाइए, दूध के धुले होने का प्रमाण पत्र क्या है? नहीं, ये मुझे बताइए कि अगर किसी की भी जाँच चलती है और अगर किसी के भी लिए जाँच चलती है और जाँच के फोकस में वो रहता है और कहीं ना कहीं कुछ चीज बात सामने आती है और अगर उसे जेल भेज दिया जाता है, तो मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं तो मामले में दम है। आप इसको दलों से क्यों दलों में आप इसको क्यों बांट दे रहे हैं?
देखिए सबसे बड़ी बात, ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है, इसलिए कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं आपको? ईडी को ठीक है, आप कोर्ट पे भरोसा करते हैं? कोर्ट आपको छापा नहीं पड़ता है? इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाले में नार्को टेस्ट हुआ, साफ साफ गवर्नेंस का नाम लिया गया। लेकिन एक बात बताइए, अगर 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 कोई भ्रष्टाचारी, वैष्णव साहब मैं समझना चाह रहा हूँ कि नहीं, सुनिए तो सर सुनिए, अगर कोई भ्रष्टाचारी किसी भी दल में हो, हर दल चाहता है कि सब भ्रष्टाचार मुक्त हो, उसका दल भी हो देश भी हो, तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी की सफाई हो रही है? क्या दिक्कत है? देखिए जब कोई जेल जाता है तो सबसे पहले सबसे पहली बार बयान आता है, ये गलत हो रहा है, और उसके बाद उन पार्टी के नेताओं को जमानत मिलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहाँ छापा क्यों पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? 10 साल है। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या सिर्फ कांग्रेस से जुड़े लोगों के यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? ठीक, भारतीय जनता पार्टी 15 साल शासन के ऊपर इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाले का आरोप लगा, पनामा पेपर्स का आरोप लगा, आम आरोप लगे, ठीक है, मतलब आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। आपने टारगेट भी अपना बड़ा रख लिया, 75 सीटें, बीजेपी ने तो 65 ही रखा था, आपने 10 और बढ़ा दिया है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस किसी चीज से तो मिल रहा होगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है ये तो जनता बताने वाली है। बीजेपी भी पीछे नहीं रहने वाली है पूरी तैयारी से, क्योंकि कमबैक करना है बीजेपी को, और अगर अभी कमबैक नहीं किया तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपना अपना जोर लगाएंगी। अब देखना होगा कि प्रदेश की जनता किस पर मुहर लगाई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।